गाय काटकर खाने वाले इनामी बदमाश मदन तथा साथी बल्लू चोरी की मोटरसाइकिल पर भरमार बंदूक के साथ गिरफ्तार हुआ है। एसडीओपी ऐश्वर्या शास्त्री ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। धार से झाबुआ की मछलियों व जिले भर में चोरी लूट डकैती की वारदातों को यह अंजाम देता रहा है। अमझेरा थाना पुलिस की यह कार्रवाई है तो पूछताछ के दौरान उसने अपने करीब 14 साथियों का नाम कबूला है। बदमाश ने इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर आतंक मचा कर रखा हुआ था। हाईवे पर रापी गाड़कर चलते वाहनों को पंचर कर देता था और लूट की वारदात को यह अंजाम देता था। इसके साथ चोरी की 8 मोटरसाइकिलें व 4 गाय अभी फिलहाल उसने कबूल ली हैं, तो पुलिस ने इन्हें जब्त भी कर लिया है। कितने आरोपी हैं? मारोल में ईश्वर सिंह दांगी के यहाँ पे 2 महीने पहले इसके घर से कुछ गाय चुरा के बदमाश ले जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया था, तो उसी दौरान इन्होंने गाय ले जाते हैं। एक गाय को तो मार के रोड पर फेंक दिया था और एक गाय थोड़ी सड़क पे छोड़ दी थी। उसके बाद एक गाय पुलिस ने पीछा करके छोड़ा दी थी, बाकी ये गाय ले गए थे वहाँ से। उस दौरान इन्होंने पुलिस का सामना भी किया था। उसी घटना के संबंध में जानकारी मिली थी कि ये जो मदन है किसी भी गैंग के द्वारा एक घटना घटित की गई है, तो उसी टीम की पतारसी के लिए गैंग की पतारसी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश प्रताप सिंह के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमझेरा रतनलाल मीणा के द्वारा चेकिंग के दौरान आरोपी मदन और उसका साथी बल्लू को मोटरसाइकिल से जाते हुए पकड़ा। इनके पास से एक भरमार बंदूक जिसका कोई लाइसेंस इनके पास नहीं था, तो ये घटना घटित करने में उपयोग में ला देते हैं, वह जब्त की गई। तथा जो मोटरसाइकिल जिस पर बैठे हुए थे वो मोटरसाइकिल भी चोरी की थी, उक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने अन्य मोटरसाइकिलें चुराना भी स्वीकार किया। जो मोटरसाइकिल इनके घरों से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जो इंदौर धार मनावर गंगवानी कैसूर यहाँ से चुराई गई हैं। इंजन नंबर 33 नंबर के आधार पर उनके मालिकों के नाम पता किए हैं, जिनको सूचना देके जिन्हें सूचना दी जाएगी। अच्छा, उसी दरमियान उस घटना के दौरान ही थाना अमझेरा क्षेत्र में जो अन्य वारदातें हुई है उस संबंध में इनसे पूछताछ करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और भी घटनाओं के संबंध में इनसे जानकारी प्राप्त कर पूछताछ की जाएगी। इन्होंने उस घटना में शामिल अपने 13 साथियों के नाम भी बताए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। कुछ व्यापारी साथ उस दौरान कुछ लूटपाट की और रुपये की घटना भी हुई थी? हाँ, वही बताया ना मैंने कि और जो उसी घटना के दरमियान जो अन्य घटना घटित हुई थी उस संबंध में भी इनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड लिया जाएगा।